वेल एपिसोड की शुरुआत में अपने यूटा का फ्रेंड लंच लेने के लिए स्टोर पर चला जाता है और यहाँ पे यूटा कहता है, हाई स्कूल को शुरू हुए एक मंथ हो गया है, मेरे शुरुआत के कुछ दिन काफ़ी अनकंफर्टेबल गए थे और यहाँ पर सभी लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को खोज लिया है और सभी खुल रहे हैं सिवाय इसको छोड़ के, इसके फ्लग एडक्रोइड सिंड्रोम की वजह से। और तभी इसके पास कुछ लड़कियां आती है और कहती है कि तुम खाने के लिए काफ़ी कुछ लाती हो, और तब रिका कहती है कि मुझे आने वाले बैटल ग्राउंड के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, अगर आगे जाकर काफ़ी दिक्कतें आएगी जो मेरा माना ख़त्म हो गया तो। और यहाँ पर अपने यूटा को पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर वो भी अपनी रिका जैसा कर रहा होता है और वो कहता है, मुझे मन करता है कि पास्ट में जाकर मैं अपने ही फेस पर पंच करूँ। फिर यूटा अपनी रिका के पास जाता है और रिका कहती है, ये खाना प्रिस्टेस ने बनाया है। यूटा कहता है, शायद टोका काफ़ी अच्छा खाना बनाती है तुमसे भी। और रिका कहती है, वो प्रिस्टेस है जो कि इस रियल वर्ल्ड में अपनी पहचान को छिपाने के लिए कुकिंग करती है। तभी रिका टोमेटो को बाहर निकालती है। यूटा कहता है, तुम्हें ये पसंद नहीं है ना। रिका कहती है, ये जो लाल पार्ट है वो हमारे माना को बर्न करता है और ख़ास करके ये ग्रीन पार्ट, इसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं, एकदम किसी मॉन्स्टर एग जैसे लगते हैं। और थोड़ा टोमेटो का रस इसके राइस पर लग गया होता है जिसे रिका बाहर निकालती है एंड उसे अपने यूटा को दिखाने लगती है। तब यूटा कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए इसे खा लूँगा। और तभी वो यूटा को खिला देती है और पूरी क्लास इनके लिए क्लैप करती है। और यूटा कहता है, ऐसा नहीं है कि जैसा तुम समझ रहे हो। इसके बाद एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि कुछ घुमा रही होती है और वो कहती है, डेथ। और इसके बाद ये सभी असेंबली हॉल के अंदर बैठे होते हैं और जो कराटे क्लब अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे ये लोग देख रहे होते हैं। तब इसाकी कहता है, हे वैसे तुम कौन से क्लब में ज्वाइन होने वाले हो, मेरी चॉइस तो एकदम ऑब्वियस है, मैं द लाइट म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करूँगा। यूटा कहता है, मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या करना है। फिर इसाकी कहता है, जिस बंदे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो तो उसी में जाएगा ना, वैसे ये इलेक्ट्रिक गिटार क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और ये सारी बातें लड़कियों के बारे में हैं। पहले बास्केटबॉल क्लब में था जब मैं मिडिल स्कूल में था और आज से 2 महीने बाद मेरे कंधे पर एक गिटार होगा और मेरे साइड में एक लड़की होगी और कुछ लड़कियाँ मेरे बैकग्राउंड में होगी। तभी अपने यूटा को कोई सी चीट आके लगती है जो कि अपनी रिका ने भेजी होती है, जिसके अंदर ये सब ख़त्म होने के बाद कहीं पर अपने यूटा को मिलने के लिए बुलाया होता है। और यूटा अंदर लिख देता है कि मुझे नहीं पता है कि ये जगह कहाँ पर है, और इस चीट को अपनी रिका की तरफ मारता है और रिका स्टाइल में पकड़ने जाती है पर वो चीट इसके सर पर लगती है। बाद में अपना यूटा रिका के पास जाता है और कहता है, अब बोलो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रिका कहती है, मुझे स्ट्रेट पॉइंट पर ले चलो, मैं स्कूल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इंस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, यहाँ पर अपना क्लब बनाना चाहती हूँ। और यूटा कहता है, फिर से बोलोगी। और रिका यहाँ पर फिर से अपनी फैंटेसी वाली बातें करने लगती है। यूटा कहता है, तुम कहोगी तुम क्या चाहती हो। रिका कहती है, मैं एक क्लब बनाना चाहती हूँ जो कि इस स्कूल के अंदर से हमारे बेस को ऑपरेट करेगा और मैंने उसका नाम भी सोच रखा है। और रिका ने अपने क्लब का नाम लिखा होता है जो कि वो अपने यूटा को बताती है, और इसके अंदर लिखा होता है, फार ईस्टर्न मैजिक सोसाइटी। यूटा कहता है, गुड लक, और यहाँ से जाने लगता है। तभी रिका इसे लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है, यहाँ पर साइन करो। यूटा कहता है, तुम मेरे अलावा किसी और को खोज लो। रिका कहती है, ठीक है मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी और को मैनेज कर लूँगी, लेकिन प्रेसिडेंसी तुम्हारी है। यूटा कहता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और है। जिसके बाद यूटा और रिका यहाँ पर बैठे होते हैं।
ताकि कोई इनके क्लब को ज्वाइन कर ले, लेकिन इनके पास भी कोई नहीं आता है और अपने रीका अपना फैंटेसी वाली चीज़ें शुरू कर देती है और अपने छाते को यहाँ वहाँ घुमाने लगती है। और इतने में एक लड़की इसके छाते की वजह से रुक जाती है और रीका अपने यूटा के पीछे आके कहती है, यूटा मैं ये चीज़ तुम पर छोड़ती हूँ। यूटा कहता है, अब तुम इतनी शाय क्यों हो रही हो। और फिर रीका फिर से इस लड़की के आगे अपनी बातें शुरू कर देती है और तब यूटा इसके सर पर मारता है और उस लड़की से कहता है, सॉरी तुम जा सकती हो। यूटा अपने साइड में देखता है तो यहाँ पर सुयूरी बैठी होती है जो कि अपने नेप क्लब के लिए मेंबर खोज रही होती है और वो कहती है, तुम इंटरेस्टेड हो। यूटा कहता है, नहीं सॉरी। और सुयूरी कहती है, सभी लोग यही कहते हैं, मैं पिछले साल से ट्राई कर रही हूँ अपने क्लब मेंबर को खोजने का, लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं होता है। सुयूरी पिलो निकाल के सो जाती है और फिर से रीका अपने क्लब का नाम चेंज कर लेती है और यहाँ पर यूटा किसी लड़की यो को चीयरलीडिंग के क्लोथ में जाते हुए देखता है और अपने रीका से बाथरूम का बहाना बना के यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर इसाकी भी होता है कि सिंका को देखने आया होता है और बाकी लड़के भी। और तभी यहाँ पर यूटा कहता है, क्या ये इतनी पॉपुलर है। और इसाकी कहता है, हाँ क्योंकि वो हमारे क्लास में क्यूट पोल में सबसे पहली है, नंबर वन। यूटा कहता है, नंबर वन। और तभी यहाँ पर सिंका अपने यूटा को हाय करती है और इसाकी कहता है, अब ये मत कहना कि उसने तुम्हें। और यूटा कहता है, नहीं नहीं ये सब इत्तेफाक है, हमारा आई कॉन्टैक्ट हो गया था। जिसके बाद वो देखता है कि अपने रीका भी वो चीयर लीडिंग के कपड़े पहन के यहाँ पर खड़ी होती है और सुयूरी बताती है कि रीका को जब पता चला कि चीयर लीडर को आसमान में उड़ाने वाले हैं तो वो ट्राई करने के लिए चली गई। लड़कियाँ अपने रीका को हवा में उड़ाने जाती है, तब रीका काफ़ी घबरा जाती है और जब उसे उछालते हैं तो उसकी आँखों से पानी आ जाता है। दूसरी तरफ प्ले चल रहा होता है, जब यूटा पूछता है तो तब टीचर बताती है कि ये लोग अपने जो एक्टिंग की रेंज है उसे बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्ले में जितना टाइम दिया गया है उतने में तुम्हें ओपोनेंट को हरा के दूसरी तरफ ब्रिज के पार जाना होगा। टीचर रीका को भी ट्राई करने को कहती है और रीका अपनी फैंटेसी वाली बातों से यहाँ पर सभी को हरा देती है और जब बड़ा वाला बंदा आता है तो उसे भी ये ऐसे ही बातें करती है और अपने छाते से उस पर अटैक करती है और किसी तरह से किक मार के वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है और यूटा इसे कहता है, बहुत हुआ। जिसके बाद शाम को ये तीनों ही बैठे होते हैं। यहाँ पर अभी भी कोई भी इनके क्लब में ज्वाइन होने को नहीं आया था और रीका किसी को कॉल करती है और अपनी फैंटेसी वाली बातें करती है, तब वहाँ पर वो ब्ला ब्ला करती है और सायुरी कहती है, तुमने कुछ किया है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और तब रीका अपने कॉल को कट कर देती है और कहती है, कल मिलते हैं। तो इसके बाद अपने सिंका यूटा को कहीं पर बुलाती है उन्हीं कपड़ों में और इसे कहती है, आई लव यू। और यूटा काफ़ी खुश होता है, उसे लगता है कि जैसे उसके गालों को कोई सहला रहा है। और सच में जब वो जागता है तो उसके गालों को कोई लड़की सहला रही होती है जो कि उसी के ऊपर बैठी होती है और कहती है, तुम वापस आ गए ब्रिंक ऑफ डेथ से डार्क फ्लेम मास्टर। और यूटा कहता है, कौन हो तुम। और इसके बालों को अपने बेड से बांध देता है और फिर कहता है, कौन हो तुम। और ये लड़की कहती है, पहले मुझे छोड़ो फिर कहूँगी। जब यूटा इसे छोड़ता है तो ये बताती है कि इसका नाम डेकू मोरी है और ये विकेड आई यूज़र तकानाशी रिका की सर्वेंट है। ये अपने बालों को घुमाने लगती है, तभी यूटा इसके सर पर अपनी टॉय गन रख देता है और तभी रीका आके कहती है, ये मेरी सर्वेंट है। और फिर डेकुमोरी से कहती है कि यूटा का माइंड ग्रैब हो गया है वर्सेस सॉसरे की वजह से, इसे माफ़ कर दो। और तब डेकुमोरी कहती है, इसकी आंखों को देखकर लगता है कि जैसे इसकी आंखें रोटन
कोर से कॉमनर लगती है और कहती है म्यूलियर टोर्नेडो और घूमने लगती है, लेकिन अपने ही बालों में वो फंस जाती है। यूटा कहता है ये नट्स और ये क्रैप्स तो रियल है जिन्हें लेकर ये घूम रही है, और ये कहती है सॉरी इस तरह से यहाँ पर आने के लिए, लेकिन जो एंथेरेलम होराइजन को हम खोज रहे थे उसे हासिल करने के रास्ते पर हम एक और कदम आगे आ गए हैं। और यूटा इसके यूनिफॉर्म को देखता है और कहता है तुम तो हमारे स्कूल के जूनियर हाई के डिवीजन से हो, और ये कहती है हाँ मेरी एज वहाँ के सेकंड एंड थर्ड ईयर के बच्चों जितनी है। यूटा कहता है तुम्हें ये सब करने से मज़ा आता है, और अरिका कहती है मैंने डेकी मोरी को 2 साल पहले खोजा था जब मैं इलेक्ट्रिक ओशन में थी और वहाँ पर मेरी विकेट आई ने रेजोनेट किया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरे प्रीवियस लाइफ की सर्वेंट है और इसने हमारे फार ईस्टर्न मैजिक नेप सोसाइटी को भी ज्वाइन कर लिया है और हमारे 5th मेंबर के तौर पर हम इसे रिक्वायर करेंगे। यूटा कहता है टीचर इसे अप्रूव नहीं करेंगे, और सच में यहाँ पर टीचर इस कैट को मेंबर के तौर पर अप्रूव नहीं करती है। निकुमोरी कहती है लेकिन क्यों नहीं, ये भी तो मेरे सेम रैंक की है। टीचर कहती है तुम किसी और को क्यों खोज नहीं लेते हो मेंबर बनाने के लिए। रिका कहती है मेरे पास कोई और भी है, वो मेरी दूसरी पर्सनैलिटी है जो कि मेरे साथ रहती है एक मोमेंट, और फिर वो एक्ट करने लगती है कि जैसे वो कोई और है और अपना नाम कैथिना बताती है। टीचर कहती है तुम किस कंट्री से हो, और रिका कहती है मैं पहले इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में बॉर्न हुई थी। सायुरी कहती है वाओ। यूटा कहता है सेनपाई आप भी। तब टीचर इंग्लिश में पूछती है कि तुम रिका के बारे में क्या सोचती हो, और रिका कहती है आप जापनीज में बोल सकती है ना। टीचर कहती है लेकिन तुम्हारे लिए इंग्लिश बोलना ज़्यादा आसान होगा। रिका नाटक करती है मेरी आंख, और फिर यहाँ से वो कहती है वो चली गई। टीचर कहती है तो मैं उसे मेंबर नहीं मान सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सैड होते नहीं देख सकती हूँ, ठीक है। जिसके बाद ये इनको एक रूम देती है जिसे साफ करना होता है, और डिकुमोरी इसे साफ करने लगती है। यूरी कहती है टीचर ने कहा था कि अगर हम इस रूम को क्लीन कर देते हैं तो वो हमारे सर्कल को रिकमेंडेड करेगी, और यहाँ पर जो रिका और अपनी डिकुमोरी होती है वो अपनी फैंटेसी वाली बातें शुरू करती है और फाइट करने लगती है। कहती है वैनिशमेंट ऑफ वर्ल्ड, और ये दोनों अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर अपनी पहले तो डिकुमोरी भारी पड़ती है और फिर रिका भारी पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं जो कि दिखने में तो काफ़ी कमाल की लग रही होती है, और जब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं तब रियल वर्ल्ड में सिर्फ ये दोनों फर्श पर यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। यूटा कहता है बस भी करो। जिसके बाद टीचर कहती है कि वो इनके सर्कल को रिकमेंडेड कर देती है, और ये लोग उस रूम को यूज़ कर सकते हैं जिसको इन्होंने क्लीन किया था, और इनको अपना बेस्ट देना होगा अपने क्लब को बनाने के लिए। सुनकर यूटा हैरान होता है कि इनके क्लब को रिकमेंडेशन मिल गई है, जिसके बाद ये सभी जा रहे होते हैं। रिका कहती है हम कल से शुरू करेंगे, हमें प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। डिकुमोरी कहती है यस मास्टर, और अपनी रिका कहती है तुम भी यूटा। यूटा कहता है मैंने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करूँगा। सोयूरी अपने रिका जैसे बात करती है लेकिन तुम्हारे डिस्पेक्शन का क्या। यूटा कहता है रिका तुम तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगती हो, और रिका कुछ भी नहीं बोलती है। इकुमोरी कहती है डोंट वरी मास्टर, और एक अजीब सी बुक निकालती है जिसके अंदर वो फैंटेसी वाली बातें और विकेट आइड और डार्क फ्लेम के बारे में बात करने लगती है। यूटा कहता है ये क्या है, कैसी बुक है। डिकुमोरी कहती है इस बुक को मोरी समर ने लिखा है, की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक ओशन के बारे में सीखा था और इसके बारे में बोलती ही जाती है। यहाँ पर एक जगह पर हम शिंका को देखते हैं जो कि इन सभी को देख रही होती है, जिसके अगले दिन पर अपना इस्सा की गिटार लेके आया होता है और कहता है मैंने सुना कि यूटा तुमने किसी वियर्ड सर्कल को ज्वाइन किया है। यूटा कहता है मैंने नहीं किया है कसम से, और तभी यहाँ पर शिंका आती है, वो कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे सर्कल को ज्वाइन करूँगी। यूटा कहता है नो वे, और यहाँ पर रिका आती है
है जो कहती है मैंने इसे अपने अंदर शामिल कर दिया है। इसके ग्रेटिट्यूड को देखकर इसने अपने क्लब का नाम फायर स्टन नेप सोसाइटी ऑफ समर रखा होता है। और यहाँ पर सिंका अपने यूटा को आंख मारती है और यूटा इसे देखते रहता है, जिसके साथ यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है।